Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome back to Next Gen Tech. We're back with another tutorial on Software Defined Radio. So if you haven't subscribed to our channel, please make sure to subscribe to our channel, which is Next Gen Tech, and subscribe to our Instagram and Facebook pages as well. जो आज का हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम करना ये चाह रहे हैं कि पास्ट थ्री ट्यूटोरियल्स जो आपने देखे होंगे उसके अंदर सबसे पहले जो हमने जो ट्यूटोरियल किया था वो था कि GSM सिग्नल की आइडेंटिफिकेशन. दूसरा हमारे पास ये था कि GSM सिग्नल को हम डिकोड कैसे करेंगे यूजिंग वायरशार्क. आज का जो हमारे पास ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम ये करना चाह रहे हैं कि हम हाउ डू आई फाइंड अ लोकेशन ऑफ माई फोन. तो आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है उसके अंदर हम ये करना चाह रहे हैं कि भाई हम अपना लेट से कि अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है या अगर आपने फ़ोन को लोकेट करने की कोशिश करनी है कि मेरा फ़ोन है किधर, तो उसको लोकेट करने के लिए आज हम एक छोटी सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि दुनिया में इस्तेमाल होती है, विच इज़ नॉर्मली यूज बाय पीपल लाइक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, विच इज़ नोन एज इमजी कैचर. इमजी कैचर क्या होता है कि इमजी इज़, इसको अगर हम थोड़ा सा गूगल करें तो अगर हम इसको थोड़ा सा गूगल करें तो ये एक्चुअली एक फ़िज़िकल डिवाइस होती है जो कि फ़ोन के सिग्नल को इंटरसेप्ट करने के अंदर आपको मदद देती है. तो आज हम जो ये करेंगे, हम ये करेंगे कि जो आपकी इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर आइडेंटिटी होती है जो कि आपकी इमजी कहलाती है, हम उसको GNU रेडियो इस्तेमाल करते हुए और RTL SDR डोंगल इस्तेमाल करते हुए उसको हम ये करेंगे कि हम उसको देखेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और हम ये मालूम करेंगे कि यार आखिर ये किस कैरियर का सिग्नल है, मतलब लाइक सर्विस प्रोवाइडर लाइक पाकिस्तान के अंदर जिस तरह जैज़, यूफोन, और उसकी कुछ इंफॉर्मेशन ले कि हम उस फ़ोन को पिंग करवा के देखेंगे वो फ़ोन की लोकेशन क्या है. तो आज का जो ट्यूटोरियल हमारा वो ये है कि बेसिकली वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू लोकेट आवर फोन यूजिंग GSM सिग्नल. अच्छा, दिस विल ओनली वर्क इफ आई डोंट हैव डेटा टर्न ऑन माई मोबाइल फ़ोन. अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर डेटा टर्न ऑन होगा तो उस वक्त वो 3G के ऊपर चला जाएगा. अगर आपका फ़ोन के ऊपर डेटा टर्न ऑफ है लेकिन आपके पास एक्चुअल सिग्नल आ रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर वो होता है कि वो GSM नेटवर्क इस्तेमाल करता है. तो बेस्ड ऑन उस इंफॉर्मेशन के ऊपर हम अपना उसको बनाएंगे, तो बेस लोकेट करने की कोशिश करेंगे. सो वी आर ट्राइंग टू लोकेट आवर फ़ोन और यूजिंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो RTL SDR डोंगल. बहुत इंटरेस्टिंग सा ट्यूटोरियल है, अमेजिंग ट्यूटोरियल है. तो उसके लिए हम यही करेंगे सबसे पहले कि एज़ यू कैन सी कि हमारी RTL SDR डोंगल प्लग्ड इन है और इस कनेक्टेड टू एन एंटेना. ये वायर जा रही है, एक छोटा सा एंटेना लगा हुआ है. अब उसके लिए हम करेंगे कि आपको तीन टूल्स की ज़रूरत है. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको पहले हमने बताया था कि GSM के नाम से एक टूल है, वो हमारी ज़रूरत पड़ेगी. फिर उसके बाद अल्लाह आपका भला करे वो होगा GNU रेडियो कंपेनियन के साथ. थर्ड जो हमारे पास टूल होगा, हमने एक पाइथन की स्क्रिप्ट है जिसको बोलते हैं कि MZ कैचर, हम वो इस्तेमाल करके देखेंगे कि वो इस्तेमाल करके हम सिग्नल को लोकेट करने की कोशिश करेंगे. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि जो हमने आपको फ्रीक्वेंसी एलोकेशन का चार्ट पहले दिखाया था प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर, आप हमें पता है कि जैज़ के लिए ये बैंड एलोकेटेड है और यू फोन के लिए ये बैंड एलोकेटेड है बाय पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी. तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन बैक ऑफ आर हैंड इज़ ऑलरेडी अवेलेबल. तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम अपना टर्मिनल खोलेंगे, इसके अंदर GSM ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मेक श्योर कि आपकी डोंगल प्लग्ड इन है. हम सिंपल लिखेंगे GSM underscore live mon. जैसे हमने अपना लिखा GSM, हमारे पास सिग्नल कैप्चर होना शुरू हो गया VR एंटेना. तो मुझे ऑलरेडी पता है अराउंड 935 के करीब, मेगाहर्ट्ज़ के करीब जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है, आई थिंक दैट इज़ अराउंड वारिद का बैंड है. तो मैं इसको एक काम करता हूँ, मैं इसको सिंपली यहाँ से इसकी फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट किया और अपना अप और डाउन की से मैं इसको बढ़ा के देखता हूँ या घटा के देखता हूँ, जो भी है. अब मैंने जैसे ये किया तो आपने देखा होगा कि मेरे पास एक एक्टिविटी आना शुरू हो गई. देख रहे हैं कि मेरे पास ये मेरा जो स्पेक्ट्रम है ये ऊपर नीचे होना शुरू हो गया. उसको थोड़ा सा और डाउन करके देखते हैं, हम देखते हैं कि और क्या क्या हम कर सकते हैं. कहाँ पे हमारे पास, अच्छा जैसे ही ये सिग्नल आना शुरू हुए तो अगर आपको याद है ये हमारे पास हेक्साडेसिमल के अंदर डेटा आना शुरू हो गया. हमारे पास हेक्साडेसिमल में डेटा आना शुरू हो गया, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है वो डेटा आ गया हमारे पास. अब उसके बाद हम करेंगे क्या कि हम फायर अप करेंगे
राइट क्लिक करेंगे और एक और टर्मिनल की टैब खोल देंगे। इसके अंदर हमने ऑलरेडी एक चीज़ कंपाइल की है जिसका नाम है सिंपल एम जी कैचर के नाम से। हम करेंगे सी डी मेरे, क्योंकि उसके अंदर है, मैं मतलब एल एस करके दिखा, अगर आप एल एस करोगे तो आपके पास लिस्ट ऑफ फाइल आ जाएगी। इसके अंदर देखे होंगे कि एक फोल्डर बना हुआ है जो कि जिसका नाम है एम जी कैचर। वी विल सिंपली नेविगेट इन टू सी डी चेंज डायरेक्ट्री टू एम जी, टैब दबाऊँगा, ये आ गए। इसके अंदर एल एस करूँगा तो उसके अंदर फोल्डर के कंटेंट मेरे पास आ गए। उसके बाद मैंने करना क्या है कि आई नीड टू रन दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, जो कि 5 या 6 लाइन का सिंपल जो नहीं एम जी कैचर का अपना एक कोड है जो कि पाइथन के अंदर दिया हुआ है। मैं आपको चलाना बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि इसकी ग्रेट डिटेल अगर आप जानना चाहेंगे तो वो मैं आपको इंशाल्लाह फ्यूचर वीडियो में कमेंट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, फिर उसके बाद हमने इसको चलाने का तरीका ये है कि बिकॉज दिस इज़ कंपाइल्ड इन पाइथन, तो अब मैं करूँगा क्या कि आई विल रन दिस कमांड sudo python 3। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो स्क्रिप्ट है ये python 3 के अंदर एक्सिक्यूट हो, सही है। इस वजह से मैंने इसके आगे python 3 लिखा हुआ है, वो इस वजह से कि अगर मैं नॉर्मल python लिखूंगा तो ये स्क्रिप्ट python 2 से जब 3 के ऊपर python माइग्रेट हुई है तो उसके अंदर आपके पास कोई अपना ना सिंटेक्स के थोड़े बहुत एरर है, तो दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट इज रिटन इन python 3, तो हम python 3 इस वजह से लिख रहा हूँ। sudo की कमांड इस वजह से, sudo हम जब भी लिनक्स या यूनिक्स की मशीन में या अपना यूनिक्स बेस्ड मशीन के अंदर लिखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसको फुल अथॉरिटी दे रहे हैं, वी आर गोइंग एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैंने sudo python सिंपल एम जी कैचर डॉट पाई सिंपल एंटर किया और एंटर कर दिया। अब इससे मेरा पासवर्ड मांगा, मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। अब उसने किया क्या कि उसने वो स्क्रिप्ट पीछे बैकग्राउंड के अंदर रन करना शुरू कर दिया। अब ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा, वाइल दिस इज रनिंग इन द बैक जी आर जी एस एम हमारे पास इधर चल रहा है। अब देखें आपके पास ये चीज़ें डेटा आना शुरू हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और खोल देता हूँ, ये देखिए। अब जो इसने सिग्नल कैप्चर करना शुरू किए हैं उसके अंदर देखें, मैंने आपसे क्या कहा था, सॉरी 935 ये है अपना उसका यू फोन का है, सॉरी। हम इसकी थोड़ी सी और भी करके देख लेंगे। तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है, मेरे पास एम जी आ रही है, इससे रिलेटेड डेटा आ रहा है, एम जी नंबर आ रहा है, इंटरनेशनल मोबाइल सब्सक्राइबर एंड आइडेंटिटी, ये जिसकी भी होगी वो आपके पास एम जी आ रही है मौजूद। जो भी मेरे पास अभी मेरा जो एंटेना कैच कर रहा है सिग्नल, ये एम जी वो होती है कि एक सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है जो कि आपके बिल्ट इन, आप अपने फ़ोन के अंदर जाके फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर जाके देखते हो, जो कि बहुत यूनिक होता है, हर फ़ोन के लिंक बड़ा यूनिक होता है। कौन सी कंट्री है, पाकिस्तान है, कौन सा अपना ऑपरेटर है, ये ऑपरेटर ये है, सही है ना। ऑपरेटर इज अपना ब्रांड आपका यू फोन है, ऑपरेटर पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन, और उसके साथ तीन इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एम सी सी मोबाइल कंट्री कोड कहलाता है ये, फिर उसके बाद एम एन सी मोबाइल नेशनल, मतलब यानी कि जो यू फोन को पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को जो अपना पाकिस्तान ये यू फोन को जो एलोकेट हुआ है वो एम एन सी कहलाता है, दैट इज़ 03। और फिर उसके बाद एक चीज़ कहलाती है जो कि कहलाती है सेल आई डी, जो कि ये रही सेल आई डी, सेल आई डी। अब ये थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूँ तो और थोड़ा सा विजुअलाइज हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा, और ये देखें ये पूरा का पूरा आ गया। तो आपके पास ब्रांड, ऑपरेटर एम सी सी यू फोन का है 410, एम एन सी 03, लैक लोकेशन अपना 5990 और सेल आई डी है 2912, जहाँ से मेरे पास सिग्नल रिसीव। और दूसरी जो लास्ट चीज़ है टाइम स्टैम्प, वो नीचे आ रहा है कि कौन सा टाइम है, तो आपको नज़र आ, हम लाइव एक्चुअली कैप्चर कर रहे हैं तो टाइम है हमारे पास 8:29, 12:43 हो रहा है, ये उसका जो टाइम एक्चुअल आ रहा है। तो हम करते क्या है कि उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा ही मिनिमाइज हो गया, इसको इस तरह रखते हैं और इसको थोड़ा सा खोलते हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, अब देखो आपके पास ये चीज़ चेंज होना शुरू हो जाएगी जब मैं अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करता। अभी यू फोन के सिग्नल दे रहा है क्योंकि मैं यू फोन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर टोन किया हूँ। लेट्स से इफ आई चेंज दिस फ्रीक्वेंसी टू समथिंग एल्स, अब मैं फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ, ये स्पाइक आना शुरू हो। अगर मुझे नहीं भी पता हो, मैं खाली स्पाइक्स की बुनियाद के ऊपर, जो स्पेक्ट्रम के ऊपर आ रही है उसकी बुनियाद के ऊपर चेंज करता चले आऊँ तो देखते हैं कि और क्या होता है। इसको रखना, अगर जैसे मैंने इसको रखा तो अगर मैं इसके ऊपर गया तो हमारे पास फिर सेट ऑफ डेटा आना शुरू हो गया हेक्साडेसिमल के अंदर, तो मेरी स्क्रिप्ट अब उसको डीकोड करके बताएगी कि वो क्या है। अगर हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो मेरे पास जो डिफरेंट और कौन कौन से भी ऑपरेटर हैं वो सब भी
थोड़ी देर के अंदर आ जाएंगे। अभी तो हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन यू फोन की थी, अब देखें मोबाइल लिंक की आ गई, जैस की आ गई। अब हमने कौन सी इमजीज देखना शुरू कर दी जो जैस से रिलेटेड है, क्योंकि मैंने जैसे ही फ्रीक्वेंसी चेंज की उससे मुझे पता चल गया। अब हाउ डू आई फाइंड अ पिन पॉइंट लोकेशन ऑफ दैट, अब जो कि मेन सवाल था वो क्या है। तो हम एक काम करते हैं, हम ये तीन इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अब हम जाएंगे सिंपली, जस्ट सिंपली गो टू अपना ब्राउज़र और उसके अंदर ये लिख दीजिए सेल आईडी लोकेटर, सही है, सेल आईडी लोकेटर। तो ये दूसरे लिंक पे क्लिक करें, सेल टू जीपीएस के नाम से, सही है, आपको सेल टावर की लोकेशन बताया किस लोकेशन के अंदर वो फ़ोन इस वक्त मौजूद है। अच्छा, अब इसके अंदर हमने कौन कौन सी एमसीसी, एमएनसी, लैक और सेल आईडी, ये चारों इन्फॉर्मेशन वो हैं जो कि मेरी एमजी कैचर मुझे यहाँ से दे रही है, वो एमसीसी, एमएनसी, लैक, सेल आईडी, ये चारों की चारों इन्फॉर्मेशन मौजूद होता है। एमसीसी क्या है, फॉर पाकिस्तान इज 410 और एमएनसी है 01। तो हम यहाँ पे आते हैं 410 टाइप किया, इसको हमने कहा 01 01 नेटवर्क जीएसएम है। लैक देख लेते हैं अपना, लैक है हमारे पास 10275 10275 और सेल आईडी हमारे पास जो आ रही है 25245 25245। इसको एंटर करेंगे, लोकेट करेंगे, इंटरनेट हमें बताएगा। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब हमारे पास गूगल मैप के ऊपर वो चीज़ आ जाएगी कि वो लोकेशन है क्या। अच्छा, तो आपका फ़ोन इस विसिनिटी के अंदर अभी इस वक्त मौजूद है, और ये कहाँ है, ये कहाँ पे है जो आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, दिस इज़ समवेयर अराउंड पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इटालियानो पिज़ा के पास, जो आपका सेल टावर है उसकी विसिनिटी के अंदर आपका सेल फ़ोन जिसकी ये पर्टिकुलर एमजी है वो मौजूद है, जो मेरे पास अभी इन्फॉर्मेशन आई है। अच्छा, अगर यूज़र का जीपीएस ऑन होगा तो मेरे पास एग्जैक्टली पिन पॉइंट लोकेशन आ जाएगी वेयर दैट पर्टिकुलर फ़ोन इज़ लोकेटेड एट। तो ये एक छोटा सा ट्यूटोरियल था आपका, अपना जो कि अपना जिससे आप अपने फ़ोन की लोकेशन को फाइंड करेंगे यूजिंग RTL SDR और इन गनू रेडियो कंपेनियन। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन प्लीज़ डू लेट मी नो। अगर आपको कोई कमेंट है किसी चीज़ को इंस्टॉल करने के अंदर, एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ ऑल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस कि हम अपने सिस्टम को कैसे रोबस्ट और जो हमने बेहतर बना सकते हैं। आई होप यू लाइक आवर वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, गो टू आवर इंस्टाग्राम फेस एंड फेसबुक पेज फॉर लेटेस्ट अपडेट। अस्सलाम वालेकुम।